Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dhanyavaad. Dhanyavaad. Apne phone te online hona, Pastor Ji. Hallelujah. Thank you, Jesus. Prarthana kare. Master Chandar Ji, dua mange. Hallelujah. 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 Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus, blood of Jesus. Praveshu tvade lahu nu pukarde, praveshu tvade lahu nu pukarde, praveshu tvade lahu nu pukar karde. Yeshu Raja, tere naam nu shukr karde. Tu jo sada fase da mahimana khudavan. Yeshu Raja, jo khudavan saadi khat khudavan, swarg da sukh chhad ke sansar vich aaya, kiya mariya khudavan. ਸਾਡੀ ਖਾਤ ਮਿਲਾਂ ਤਾਣ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨੀ ਫਸਾ ਦੇਨ ਪਤਾ ਹਰ ਮਰੂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਮਲਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ जीवन करे और यीशु और तमाम ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਅਨਗਿਤ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਕਿਆ ਕਰ ਕੀ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Ji utha, Yeshu ji utha, haan ji utha. Ji utha, Yeshu ji utha, Yeshu ji utha. जी उठा हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा जिंदा हालेलुया यीशु मेरा जिंदा हालेलुया तीसरे दिन जब कब्र पे आई पाया कब्र को खाली पाया कब्र को खाली तीसरे दिन जब कब्र पे आई
पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली, हुई घबराहट डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली, कोई घबराहट डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली, ओ हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पहला फल का पर्व है, फर्स्ट फ्रूट। यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह नासरी पहला फल बन गया, मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल। हालेलुया। पासओवर अखमीरी रोटी पहला फल, ये पर्व पासओवर का ही कहा जाता है, और ये पर्व पूरे सप्ताह चलता है। हालेलुया। तो आप में से जिन लोगों ने उपवास रखा है, आप बहुत धन्य हो, प्रभु आपको आशीषित करे, बरकत दे। हालेलुया, आशीष दे आपको। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपका। तो हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठाए और स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन पे, सृष्टि के रचिता, राजा दे राजा, यहोवा के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। हालेलुया। तो हम जो फसा के विषय में सीख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे, अगले सेशन में चलेंगे। तो प्रभु यहोवा इसराइलियों को मिस्र में, 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक निकाल लीजिए, एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन उसका 12 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 21 और 22 वचन। हालेलुया। निर्गमन 12 का 21-22, सुने। Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. Hallelujah. प्रभु यहोवा कहता है, वो मेमना जो तुमने रखा है 10th डे पे, 10वें दिन, इज़राइल ने उस मेमने को ग्रहण किया 10वें दिन, जब वो गधी के बच्चे पे बैठ के गया, और उसको उन्होंने निकाला पसा की रात, पसा के दिन, और प्रभु कहता है उस मेमने को निकालो एंड किल द पासओवर, पीशाक को मारो, पीशाक, पासओवर, फसा आपके और मेरे लिए मारा जाता है, फसा का मेमना। एंड ही टेक ए बंच ऑफ हिसप, जूफे की डालियां लेना, झाड़ू की तरह बना लेना, डिप इट इन द ब्लड, उस मेमने के लहू में डुबो लेना, दैट इज इन द बेसन, एंड स्ट्राइक द लिंटल एंड द टू साइड पोस्ट विद द ब्लड दैट इज इन द बेसन, नन ऑफ यू शैल गो आउट एट द डोर ऑफ हिज हाउस अंटिल द मॉर्निंग। प्रभु यहोवा कहता है, उस मेमने के पवित्र लहू को, निर्दोष लहू को लेना, जूफे की डालियों को बीच में भिगोना, ऐसे करके एक पोचा लगाना, ऐसे करके, ऐसे करके, नीचे नहीं लगाना। और प्रभु ने कहा, जब लहू कताब का चिन्ह बना दो बाहर, तो अपने घर के अंदर आ जाना और दरवाजा बंद कर लेना, क्वारंटाइन कर लेना अपने आप को। आपको मालूम प्रभु यहोवा कब क्वारंटाइन करने को कहता है? जब प्रभु यहोवा प्लेग भेजता है, जब बवा आती है, प्लेग आती है, प्रभु चार कोड़े बरसाता है, तलवार भेजता है, अकाल भेजता है, प्लेग मरी भेजता है, और अंत में जंतु भेजता है। हालेलुया। तो जंतु के हवाले कर देता है, जो आपको गुलाम बना के पराये देश में ले जाता है। तो प्रभु यहोवा कहता है कि ऐसे ताब का चिन्ह बनाना, ये ताब का चिन्ह इधर
प्रभु बनाता है इधर। अलफ और ताब है खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा अपने घर के अंदर बंद कर लेना अपने आप को और घर से बाहर मत निकलना। तो इसी का मैं आपके लिए पढ़ता हूं, प्रभु क्या कहता है, फॉर द लॉर्ड विल पास थ्रू टू स्माइट द इजिप्शियन व्हेन ही सीएथ द ब्लड अपॉन द लिंटल एंड द टू साइड पोस्ट, द लॉर्ड विल पास ओवर द डोर एंड विल नॉट सफर द डिस्ट्रॉयर टू कम इनटू योर हाउसेस टू स्माइट यू। प्रभु खुद रात को निकलेगा और प्रभु के आगे आगे नाश करने वाला मारने वाला दूत निकलेगा। यहूदी लोग उस दूत को कहते हैं मास्तेमा, वो लहू देखेगा, ताब का चिन्ह घर के बाहर, जिस घर के बाहर लहू होगा वहां से पास ओवर कर जाएगा, फसा कर जाएगा, पीशाक कर जाएगा, मतलब जंप मार के आगे निकल जाएगा। जिस घर के बाहर लहू नहीं होगा वहां के पहलौठों को वो मार डालेगा। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, 24 वचन, एंड ई शैल ऑब्जर्व दिस थिंग फॉर एन ऑर्डिनेंस टू दी एंड टू दाई सन्स फॉर एवर। 24 वचन पढ़ो, 12-24। प्रभु कहता है ये रीति, ये अनुष्ठान, ऐसा तुम हमेशा के लिए करना जब वायदे की धरती में भी चले जाओ, तुम और तुम्हारी संतानें, संतानों की संतानें, संतानों की संतानें, फॉर एवर। ये पर्व खत्म नहीं हुए। 24 वचन पढ़ो, हिंदी में पढ़े पास्टर जी, 24 वचन ऊंची आवाज में। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। सदा की विधि जानकर मानना, हालेलुया, हालेलुया। और 25 वचन पढ़े, जिससे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसे का बलिदान किया जाता है। हालेलुया। लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपनी पीढ़ियों को बताना, आने वाली जनरेशंस को बताना कि यहोवा ने हमें तो बचाया पर मिस्र के पहलौठों को मार दिया। तब लोग झुक गए और उन्होंने झुक कर यहोवा की उपासना की। हालेलुया। किस समय, इसका पढ़ें आप 28 और 29 वचन। इसराइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। उन्होंने यहोवा की आज्ञा मानी, अपने घर की चौखट पे ताब का चिन्ह लगा दिया। और 29 वचन में लिखा है, एंड इट केम टू पास एट दैट टाइम इन द मिडनाइट, उस समय आधी रात को, लॉर्ड स्मोट ऑल द फर्स्ट बॉर्न in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon and all the firstborn of the cattle. Yehovah ne mara, Yehovah ke aage aage maut ka doot gaya, par likha Yehovah ne mara, raja ke pehlote ko bhi mar diya aur jo jail ke andar qaidi tha misri uske pehlote ko bhi mar diya aur janwaron ke pehlote bhi mar diya। मिस्र में कोहराम मचा, कब, उस समय, जो समय यहोवा ने ठहराया, जो समय यहोवा ने ठहराया है उस समय के विषय में आज मैं आपको बताने लगा हूं। परमेश्वर का मुकर्रर किया गया समय, परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर का ब्रह्मांडों को रचने से पहले ठहराया गया समय क्या है, सेट टाइम्स क्या है, कंक्रीट की तरह सेट टाइम्स क्या है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, परमेश्वर का वो मेमना सृष्टि के बनाए जाने से पहले घात किया गया। परमेश्वर ने समय सेट किया कि वो मेमना मारा जाएगा सृष्टि की बुनियाद से पहले। प्रभु वो समय
ठहरा था। आपको मालूम फसा के समय यहूदी लोग गीत गाते हैं, वो मेमने की कुर्बानी का गीत है, 113 भजन से लेके 118 भजन तक, इसे हलाल बोलते हैं वो लोग। ये फसा के समय गाया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे गया और अपने चेलों के साथ ये गीत गाया। यीशु मसीह ने कब गाया? जब यीशु मसीह की मौत उसके सामने खड़ी है, तब भी यीशु मसीह गीत गाता है। और उस गीत में क्या है 118 भजन में, कि वो पत्थर जिसे राज मिस्त्रियों ने रद्द किया, यहोवा ने उसे कोने के सिरे का पत्थर ठहरा दिया। हालेलुया। 12 अध्याय के 34 से लेके 36 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, मिस्रियों ने अपना सोना, अपना चांदी, अपने हीरे, अपने जवाहरात सब के सब इसराइलियों को दे दिए। यहोवा ने बदला लिया, उन्होंने इसराइलियों के पहलौठों को मारा, इसराइलियों के लड़कों को मार देते थे, लड़कियां रहने देते थे। और 430 वर्ष, आज इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ भेद बताऊंगा, एक और सेशन में 430 का भेद समझेंगे। परमेश्वर ने 430 वर्ष की जो बेगार की उन्होंने लेबर की, मेहनत की, उसका सारा फल दिला दिया ऐसे चुटकी में, और उनके मारे गए बेटों का बदला ले लिया यहोवा परमेश्वर ने। तो 400 इसका जो 41 वचन है, 41 यहाँ पे लिखा, एंड इट केम टू पास एट द एंड ऑफ द 430 इयर्स इवन द सेल्फ सेम डे इट केम टू पास दैट ऑल द होस्ट ऑफ द लॉर्ड वेंट आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट। 430 साल पूरे हुए, वो घड़ी आई, वो ऋतु आई, वो समय आया, वो सब के सब मिस्र से निकल गए। 430 एग्जैक्ट। आपको मालूम क्या यहां पे इशारा कर रहा है परमेश्वर? 430 साल पहले क्या हुआ? 430 साल पूरे हो गए उनको, लेकिन 430 साल पहले क्या हुआ था? 430 साल पहले एक फसा आई थी, जिसका स्पष्ट उल्लेख बाइबल में नहीं है। 430 साल पहले एक फसा हुई इसी दिन। क्या था वो फसा? उस फसा के दिन सदोम और गमोरा को यहोवा ने नाश किया। इस फसा के दिन मिस्र को, मिस्र का यहोवा परमेश्वर ने विनाश कर दिया। हालेलुया। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 15 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 15 और उसका 13 वचन, उत्पत्ति 15 का 13 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, सुने। एंड ही सेड अनटू अब्राहम, नो फॉर श्योरिटी दैट thy seed shall be stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. प्रभु कहता है, मैं अब्राहम तुझे ये कहता हूं कि तेरा बीज, योर सीड, ध्यान दें, यहां पे जो सीड है, बीज है, वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। तेरा बीज कौन है? अब्राहम का बीज। अभी उसका नाम इब्राहिम भी नहीं बना है, अभी यहोवा उसका नाम इब्राहिम बनाएगा, हे लगाएगा अपने नाम की। उसका नाम अब्राहम है, बंद है उसका नाम, दरवाजा नहीं है, वो हे का दरवाजा लगाएगा, क्योंकि इब्राहिम की औलाद नहीं पैदा हो सकती। सराई बांझ है, उसकी कोख बंद है, यहोवा दरवाजा लगाएगा हे का। ऐसे होता है, दो डोर, उसके नाम में दो डोर है, योड हे वा हे। एक डोर वो स्वर्ग में खोलता है, एक पृथ्वी पे खोलता है। जब मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और लाठी उठाई, यहोवा ने क्या किया? लाल समुंदर के आगे दो दरवाजे लगाए, एक इधर लगा दिया, एक दूसरी तरफ, और बीच में से आंधी चली, समुंदर सूख गया। यहोवा एक द्वार आपके लिए स्वर्ग में खोलता है, एक द्वार यहोवा आपके लिए पृथ्वी पे खोलता है। तो यहाँ पे 15-13 जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु 400 साल की बात कर रहा है, तो विरोधाभास लगता है। यहाँ पे लिखा है 430 साल, जो मैंने वचन दिया आपको 12:41, एंड इट केम टू पास एट द एंड ऑफ 430 इयर्स। तो 430 साल,
यहाँ पे 15:13 में लिखा 400 साल, प्रभु ने कहा वो 400 साल गुलाम रहेंगे, यहाँ पे लिखा 430 साल के बाद, तो सुने ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 400 साल दे शैल अफ्लिक्ट देम, जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब है दे विल शो देम क्रुएलिटी, वो निर्दयी रहेंगे 400 साल। तो 430 साल कैसे बनते हैं, पहले 30 साल यूसुफ प्रधानमंत्री था, पहले 30 साल इसराइलियों के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, फिराउन उनको बहुत मानता था, वो मिस्र की सबसे उत्तम भूमि में रहते थे, वो गुलाम नहीं थे, वो मिस्र के बहुत बड़े अतिथि थे, शाही गेस्ट थे, लेकिन जब वो फिराउन मर जाता है उसके बाद 400 साल इन्हें सताया जाता है, इसलिए वचन में लिखा है 400 इयर्स की क्रुएलिटी होगी, 400 साल वो क्रूअल रहेंगे, टोटल 430 साल के बाद यहोवा उन्हें छुड़ा के लाएगा। तो चार पीढ़ियों की बात है, इसके ऊपर मैं आपको अभी और कुछ शिक्षा दूंगा। तो पहले मैं चाहता हूं आप एक वचन और पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय निकालें, उत्पत्ति 17, उत्पत्ति 17 का 21 वचन मैं चाहता हूं आप पढ़ें, उत्पत्ति Genesis 17:21, सुने प्रभु क्या कहता है, बट माई कवनेंट विल आई एस्टैब्लिश विद आइज़क व्हिच सारा शैल बेयर अनटू दी एट दिस टाइम इन द नेक्स्ट ईयर। पहले मैं जो आपको बता रहा था, प्रभु ने कहा तेरा बीज मिस्र में गुलाम रहेगा 400 साल, वो बीज कौन है, वो बीज है मसाया, मसीहा, खुदावंद यीशु मसीह, इब्राहिम का बीज है यीशु मसीह, लेकिन इब्राहिम का बीज इसराइल के अंदर छिपा हुआ है, इसराइली कौम लेके आ रही है इब्राहिम का बीज जो यहोवा का बीज है। तो प्रभु क्या कहता है, मैं अपना वाचा किसके साथ बांधूंगा, इसहाक के साथ, विच सारा शैल बियर अनटू दी एट दिस सेट टाइम इन नेक्स्ट ईयर। अब प्रभु आया है, सारा बांझ, सारा की कोख खोल ले, सारा की कोख में ऐसे हे लगाने अपने नाम की, इब्राहिम के बीज में हे लगाने, क्योंकि इब्राहिम की औलाद नहीं हो सकती, प्रभु आया है। तो प्रभु कहता है मैं अपनी वाचा बांधूंगा, सारा एक औलाद पैदा करेगी इसी समय अगले साल। तो ये शब्द क्या है, इसी समय, दिस टाइम, सेट टाइम, मेरा मुकरर किया गया समय, मेरी ठहराई गई घड़ी, मेरी ठहराई गई ऋतु, मेरा मुकरर किया गया सीजन। इसके लिए हिब्रू में वर्ड क्या है भाइयों बहनों, उत्पत्ति 27 की 21 के लिए शब्द है मोआडीम। मैं कल आपको बता रहा था मोएड, मोआडीम क्या होता है, याद है आपको, कल जो शिक्षा दे रहा था मैं, उस शिक्षा में मैंने आपको बताया मोआडीम क्या है, मोआड यहोवा का पर्व, हालेलुया, मोआडीम क्या है, यहोवा परमेश्वर का पर्व, हालेलुया। कल मैंने इसी के ऊपर एक बहुत गहरी शिक्षा दी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पीछे जाके दोबारा उस शिक्षा के ऊपर मनन करना, फिर मनन करना प्लीज, हालेलुया, और प्रभु के वचन को सीखना। मोएड क्या है, यहोवा के पर्व, ये सात पर्व, प्रभु कहता है इस समय में, अपॉइंटेड टाइम पे, नियुक्त किए गए समय पे, ठहराए गए समय पे, मेरी ऋतु पे, मेरे सीजन पे, ये यहोवा के सीजन है, फसा अभी यहोवा का सीजन चल रहा है। इस समय अगर आप अपना जीवन सही करेंगे, पश्चाताप करेंगे, बुरे मार्ग त्यागेंगे, अपने अधर्म कुटिलता को त्यागेंगे, गंदे मार्ग छोड़ेंगे, यहोवा के पीछे चलेंगे, तो यहोवा स्वर्ग की खिड़की खोलेगा और आपके ऊपर अपनी अनुग्रह की वर्षा करेगा। हालेलुया, यहोवा अपना अनुग्रह आपके ऊपर बरसाएगा। मैंने कल आपको बताया ये मोआडीम के लिए हिब्रू वर्ड है मेम वाव आयन दलित, मेम वाव आयन दलित, वाव एक कील की तरह है और मेम एक
कोख की तरह है। मेम का मतलब पानी भी होता है और मेम का मतलब कोख भी होता है, और वो पुरुष के अंग की तरह यहोवा गर्भवती करता है। किसे? यहोवा अपना बीज डालता है ताकि नई जिंदगी पैदा हो, नया जीवन पनपे। और आयन दलित गवाही है यहोवा की। आपको मालूम मोआडीम है क्या असल में? जैसे पुरुष का प्रजनन अंग होता है, वैसे ये यहोवा का प्रजनन अंग है। मोआडीम यहोवा के पर्व, इस समय यहोवा जन्माता है, पैदा करता है। वाब इस तरह है, प्रजनन अंग की तरह। मेम जो है गर्भाशय है। आयन दलित जैसे पुरुष के अंग के संग दो, जिसके अंदर पुरुष का अंश होता है वो दो होते हैं, उसी तरह है ये पर्व, ये यहोवा के साथ पर्व, ये विशेष मुकर्रर किए गए यहोवा के समय हैं। भाइयों और बहनों, जब यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पे काम करता है, हालेलुया, इसको झूठी कलीसिया ने, शैतान ने ये पर्व कलीसिया से चोरी कर ली है। और जो पर्व यहोवा के नहीं है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, वो दे दिए। ईस्टर तो एक देवी की उपासना का पर्व था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 4 वचन में जो ईस्टर शब्द मिलता है ना आपको, इंग्लिश में हिंदी पंजाबी की बाइबल पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? फसा का पर्व लिखा है। क्योंकि असली टेक्स्ट में, टेक्स्टस रिसेप्टस में, मैसोरेटिक टेक्स्ट में, ओरिजिनल पांडुलिपियों में ये शब्द है ही नहीं। ये बीच में डाला गया ईस्टर को बीच में लाने के लिए। तो आज ईस्टर नहीं है, आज पहला फल का पर्व है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। तो ये मोआडीम क्या लिखा है? उत्पत्ति 17:21 में प्रभु कहता है, मेरे समय पे मैं आऊंगा और वाचा बांधूंगा। किसके संग? इसहाक के संग। तेरी कोख में सारा जिसमें जीवन नहीं है, तेरे उस प्रजनन अंग में जिसमें जीवन नहीं है, मैं सामर डालूंगा, यहोवा परमेश्वर कहता है। हालेलुया, और तेरे संतान पैदा होगी। अब मैं एक वचन और देता हूं आपको, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं इसका 19 के, मैं शुरू से आपको बता देता हूं। 19 अध्याय में दो स्वर्गदूत आते हैं। अगर 18 अध्याय पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में इब्राहिम यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है। तो मालूम इब्राहिम क्यों महान है, क्यों इब्राहिम हमारा पिता है? क्योंकि उसे इंटरसेशन करनी आती है, यहोवा से नेगोशिएट करना आता है, वो यहोवा के आगे मध्यस्थ की प्रार्थना करता है। तीन जो 18 अध्याय में तीन पुरुष आते हैं इब्राहिम से मिलने, जब वो मामरे के वृक्ष के नीचे बैठा है। आपको मालूम यहूदी जब वृक्ष के नीचे बैठा होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना। वो प्रार्थना कर रहा था तो स्पिरिट रेल्म खुल गया, तीन पुरुष आ रहे थे, बीच में यीशु मसीह था, लेफ्ट और राइट पे दो एंजल थे। इब्राहिम उन्हें वृक्ष की छाया में बिठाता है और याचना करता है कि आप जाएंगे नहीं, मैं आपके लिए भोजन बना के लाता हूं। ये है हमारा पिता। अगर आप अपने पिता इब्राहिम की औलाद हो तो सेवा टहल करना सीखो, हॉस्पिटैलिटी दिखाना सीखो, लोगों को अपने घर में भोजन खिलाना सीखो, लोगों को जबरदस्ती अपने घर में लाना सीखो। बाइबल में लिखा है लुदिया नाम की स्त्री, जब प्रेरित पलूस पर्व मना रहा था, पढ़ के देख लेना, अनलेवन्ड ब्रेड का पर्व मना रहा था प्रेरितों के काम पुस्तक में, और वो गया प्रार्थना के लिए, वहां पे स्त्रियां बैठी थी समुन्द्र के किनारे, तो वो वचन सुनाने लगा और लुदिया का दिल यहोवा ने खोला, उसने मसीह को ग्रहण किया, पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। तब वो जबरदस्ती परमेश्वर के दासों पलूस और सिलास को अपने घर ले गई और घर में ठहराया और उनकी सेवा की। ये है मसीहत जो हमारे पिता इब्राहिम से मिली है, पौनाई करना, सेवा करना। आज मसीह लोग बहुत रूखे हैं, किसी को अपने घर में भी प्रभु के दास को बुलाना नहीं चाहते, ठहराना नहीं चाहते। संगति भी
उस समय नहीं करना चाहते कि लोगों को भोजन खिलाना पड़े। संगति के लिए भी घर में ऐसा समय ढूंढते हैं जब बिस्किट चाय से काम चल जाए। भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा भेद छिपा है सेवा करने में, भोजन खिलाने में, पौनाई करने में, अपने घरों में परमेश्वर के अभिषिक्तों को ठहराने में। तो इब्राहिम जो बीच में है उसके आगे झुक के दंडवत करता है, वो है यीशु मसीह, प्री इनकार्नेट क्राइस्ट। यीशु मसीह मरियम की कोख में शरीर लेने से भी पहले पहले भी था, वो अनंत है, अनादि है। उसका नाम है एहिया अशेर एहिया, आई एम दैट आई एम। कल मैं आपको बता रहा था तीन अध्याय निर्गमन की पुस्तक में से, एहिया अशेर एहिया। तो भाई और बहनों, इब्राहिम वार्तालाप करता है किससे? यीशु मसीह से, कि प्रभु 50 होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे तो आप बचा लोगे। प्रभु कहते हैं मैं 10 होंगे तो भी सदोम गमोरा पे आग की वर्षा नहीं करूंगा। कितना महान है हमारा पिता इब्राहिम, वो सदोम गमोरा को बचाना चाहता है और वो लूत को, अपने भतीजे को बचाना चाहता है। आपको मालूम इब्राहिम ने क्यों कहा यदि 10 हो? क्यों कहा? क्योंकि लूत, लूत की बीवी दो, लूत की दो बेटियां, दो और दो चार, लूत की दो बेटियों के पति चार और दो छह, लूत की दो बेटियों के माता पिता छह और चार 10, 10 लोग थे। अगर 10 होते तो बच जाते, लेकिन लूत अपने दामादों के पास गया, वो हंसने लगे, अरे आग गिरने वाली है। उन्होंने विश्वास नहीं किया, छह लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर को आग बरसानी पड़ी, क्योंकि 10 नहीं थे तौबा करने वाले, पश्चाताप करने वाले, बुरे राहों को त्याग के यहोवा की ओर मुड़ने वाले। भाइयों बहनों, परमेश्वर का सच्चा कलाम है तौबा, पश्चाताप करना, बुरे मार्ग त्यागना, पवित्र जीवन जीना, धर्मी जीवन जीना, सकरे फाटक से प्रवेश करना रोज, तंग मार्ग पे चलना, जिस्म जिस्म की वासनाओं को क्रूस पे चढ़ाना, अपने आप का इनकार करना, प्रभु के लिए एक दास बन के जीना, ये है मसीहत। ये जो मसीहत झूठे प्रचारक सिखा रहे हैं, ये निश्चय नरक की ओर लेके जाएगी, फॉल्स प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। तो सुने, 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में दो एंजल, इब्राहिम प्रभु के आगे विनती करता है, दो दूत आ जाते हैं सदोम गमोरा में, और वो क्या करते हैं, लूत के घर आते हैं। तो लूत क्या कहता है कि मेरे घर में ठहरो, तो तीसरे वचन में लिखा है उस गांव सदोम गमोरा के लोग इतने दुष्ट थे। मैंने सदोम गमोरा और तीन और शहरों के विषय में बहुत सा कलाम आपको सिखाया 2-3 साल पहले, सुनिएगा, गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव पे जाएं, 1-2 वीडियो सुने वहां पे रोज, इतना गहरा परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की आत्मा वहां पे डलवा रहा है, तो सुने उसे और अपने जीवन को शिक्षित करें। तो यहाँ पे लिखा है, एंड ही प्रेस्ड अपॉन देम ग्रेटली एंड दे टर्न्ड इन अनटू हिम एंड एंटर्ड इन हिज हाउस एंड ही मेड देम अ फीस्ट। लूत के घर में दो दूत आ गए और लूत क्या करता है, तीसरा वचन पढ़ देंगे 12:3 हिंदी में, पर उसने उनसे बहुत विनती करके कहा, विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। उसने फीस्ट की लिखा है, भोज किया, फीस्ट का मतलब फीस्ट की, कौन सी फीस्ट आगे, और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। ये पर्व है भाई और बहनों, अनलेवेंड ब्रेड का पर्व है, मोआडीम है, मोएड है। जिस समय लूत पे अनुग्रह हो रहा है उस समय स्वर्ग की खिड़की खुली है, जिस समय इब्राहिम यीशु मसीह के आगे विनती कर रहा है वो मोआडीम है, वो पर्व है, परमेश्वर का ठहराया हुआ समय। ये 7 पर्व जो मैं आपको बताता हूँ, खिड़की खुलती है स्वर्ग में, यहोवा पृथ्वी पे दृष्टि करता है, किताबें खुलती हैं स्वर्ग के अंदर, यहोवा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जो यहोवा की ओर मुड़ते हैं उन पे करुणा की जाती है, जो अधर्म पाप में सख्त गर्दन करके खड़े रहते हैं उनके ऊपर दंड उतरता है। तो ये पर्व है,
जब यहोवा बचाने जा रहा लूत लूत के घराने को, हालेलुया। तो ये मोआदीम है भाई और बहनों, यहोवा के मुकर्रर किए गए समय, जब प्रभु काम करता है, जब प्रभु का आत्मा काम करता है, और शैतान इन्हें कलीसिया से चुरा कर ले गया है। अब पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन, एंड द लॉर्ड विजिटेड सारा एज ही हैड सेड, एंड द लॉर्ड डिड अनटू सारा एज ही हैड स्पोकन। प्रभु ने विजिट किया, प्रभु मुलाकात करने आया सारा से, जैसा वायदा प्रभु ने किया था। फॉर सारा कंसीव्ड एंड बेयर अब्राहम ए सन इन हिज ओल्ड एज एट द सेट टाइम ऑफ व्हिच गॉड हैड स्पोकन टू हिम। हिंदी में पढ़ दीजिए। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। किस समय ये पुत्र उत्पन्न हुआ? यहोवा के ठहराए समय। यहोवा का ठहराया समा क्या है यहाँ पे हिब्रू में? मोआदीम, मोएड, परब। ये परब था फसा का। ये जो फसा का परब चल रहा है, इस परब पे इसहाक पैदा हुआ था। यहोवा ने परब पे आशीष दी। हालेलुया। यहोवा का मुकर्रर किया गया समय कौन है? पास ओवर, फसा का। फसा के परब पे परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक दिया, क्योंकि प्रभु पर्वों पे काम करता है। प्रभु ने समय मुकर्रर कर दिया था, ऋतु ठहरा दी थी, सीजन ठहरा दिया था। उस सीजन पे प्रभु बरकत देगा, ऐसा प्रभु ने वायदा किया और प्रभु ने वो वायदा पूरा किया। फसा पे इसहाक पैदा हुआ। आपको मालूम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में उसके 7 वचन में, जब इसहाक टीनेजर हो गया, जवान हो रहा शायद 16 से 18 की एज का, प्रभु यहोवा 22 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम से कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र को जो मैंने तुझे दिया है मोरिया पहाड़ पे ले जा और उसे वहां बलि कर। आपको मालूम मोरिया पहाड़ कौन सा पहाड़ है? वही पहाड़ जहां पे यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। ये वही पहाड़, वही जगह जहां पे सुलेमान ने हैकल बनाई, वहीं यीशु कुर्बान हुआ, वहीं इब्राहिम ने जगवेदी बनाई और उसने अपने पुत्र को तैयार किया। नौकरों के संग गया, 3 दिन की यात्रा थी, नौकरों को नीचे छोड़ा पहाड़ पे, खुद पहाड़ चढ़ने लगा, अपने नौकरों से कहा मैं और मेरा बेटा जाके यहोवा की उपासना करते हैं। सबसे पहले उपासना शब्द उत्पत्ति 22 अध्याय उसके शायद 4 वचन में है, पढ़ता हूँ आपके लिए। उत्पत्ति 22 उसका 4, देन ऑन द थर्ड डे इब्राहिम लिफ्टेड अप हिज आईज एंड सॉ द प्लेस ऑफ आर होम। 5 वचन, एंड इब्राहिम सेड अनटू हिज यंग मेन अबाइड ही देयर विद द एस आई एंड द लैड गो योंडर एंड वर्शिप एंड कम अगेन टू यू। तुम यहीं पे ठहरे रहो जानवरों के साथ, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पे चढ़ते हैं, हम यहोवा की आराधना, यहोवा की उपासना, यहोवा की पूजा, यहोवा की परस्तिश करके नीचे लौटते हैं। इब्राहिम को मालूम था मैं अपना बेटा कुर्बान भी करूंगा, यहोवा मेरे बेटे को जिंदा कर देगा। ये फसा का भेद है। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि अपना बेटा कुर्बान कर। तो 22 में पढ़े आप 6 वचन में, यहाँ पे लिखा है इब्राहिम लकड़ी ले लेता है बर्नट ऑफरिंग के लिए, इसहाक को लेता, आग को लेता है और वो चले जाते हैं। तो 7 वचन में लिखा है, 7 वचन में, एंड आइजक स्पेक अनटू इब्राहिम हिज फादर, इसहाक अपने पिता इब्राहिम से कहता है माय फादर, एंड ही सेड हियर आई एम माय सन। वो कहता है पिता, और पिता कहता है हाँ मेरे पुत्र मैं यहाँ हूँ। एंड ही सेड बिहोल्ड द फायर, पुत्र इसहाक कहता है देखो पिताजी आग है, एंड द वुड लकड़ी है, बट वेयर इज द लैम फॉर द बर्नट ऑफरिंग, पर मेमना कहाँ है जो कुर्बान होगा।
इसहाक का जन्म हुआ है फसा के दिन, जिस दिन मेमना कुर्बान होता है। तो इसहाक अपने पिता से पूछता है, मेमना कहाँ है जो कुर्बान होगा? तो इब्राहिम, आपको मालूम क्या कहता है? इब्राहिम नबी है। इब्राहिम कहता है, यहुआ याहिरा, यहोवा मेमना देगा। कुछ यहूदी रब्बी कहते हैं इसका मतलब है यहोवा खुद मेमना बन के पृथ्वी पे आएगा। यहुआ याहिरा, यहुआ याहिरा, यहोवा मेमना बन के आएगा। याहिरा, आपको मालूम यरूशलम शब्द कैसे पैदा हुआ? शालोम का मतलब होता है शांति, सच्ची शांति जो अंदर से उठती है। वो शांति नहीं जो दुनिया की चीजें आ जाए तो मिलती है, वो शांति नहीं जो दौलत आ जाए तो मिलती है, बल्कि सच्ची शांति जो मसीह की हजूरी अंदर पैदा करती है। शालोम का मतलब आपको मालूम क्या है? नथिंग मिसिंग, नथिंग स्टोलन, नथिंग ब्रोकन, एवरीथिंग परफेक्टली परफेक्ट। कुछ खोया नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ, कुछ टूटा नहीं, कुछ लूटा नहीं, हर एक चीज अपनी जगह पे संपूर्ण ढंग से सर्वांग रीति से संपूर्ण है। यह है शांति। तो यरूशलम का मतलब आपको मालूम क्या है? यरूशलम का वो पहाड़ है जहां पे इब्राहिम कहता है यहुआ याहिरा, यहोवा खुद मेमना बनेगा। तो याहिरा प्लस शालोम, याहिरा शालोम, यरूशलम, यरूशलायम, यरूशलायम, यहोवा शांति देगा, यहोवा शांति देगा, शालोम देगा। आपको मालूम कौन है शालोम? प्रभु यीशु मसीह। यरूशलम का मतलब है यहोवा शालोम को शरीर में भेजेगा। हमारी शांति है यीशु मसीह, अब हमारी शांति है परमेश्वर के साथ। पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड पीस विद गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, परब बहुत गहरे हैं। परब के ऊपर और शिक्षा, आज मैं एक अलग सेशन करूंगा जिसके ऊपर और डीप हम इस शिक्षा पे जाएंगे। तो ये परब पूरी बाइबल में छिपे हैं, इन पर्वों के दौरान ही यहोवा अपने काम कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, शोफार ब्लो करते हैं। शोफार की आवाज रेजोनेट करती है एटमॉस्फेयर में, बदरूहें भागती हैं, बीमारियां भागती हैं, बंधन टूटते हैं, शिफाएं मिलती हैं, चंगाइयां मिलती हैं। प्रभु, जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, प्रभु जी, मैं एक एक को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। दीपिका सरकार को तेरे फोन में छिपाता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। रमन खान, रीना खान, उनके घराने पर, मंजीत मसीह और पूरी कलीसिया पे, हरदीप मसीह आपकी उस दासी पे, ब्रदर ललित उनके घराने पे, जॉन मसीह उनके घराने पे, अजय सूरी उनके परिवार पे, मनीषा सिंघी उनके घराने पे, तनुजा सेठ उनके घराने पे। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर एंथनी, ब्रदर बत्रा के पिता के लिए। ब्रदर बत्रा के पिता को आप छुएं और अपना हाथ बढ़ा के चंगा करें। प्रभु, तनुजा सेठ उनके घराने को, सृष्टि सेठ को, राजन सेठ को, सबको आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद, बॉबी आठ को, उनके परिवार को के लहू में छिपाता हूँ। पास्टर चरणजीत सिंह को, ब्रदर जेकब खोखर को मैं आपके खून में छिपाता हूँ, उनके घराने को। प्रभु, मैं भाई अभिषेक सूद के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मैं भाई अभिषेक सूद की माता के लिए, भाइयों के लिए, प्रभु जी उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभिषेक सूद का परिवार आपको जान, प्रभु आपके चरणों में, प्रभु जी जो भी इनका प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है उसमें आप इन्हें विजय देना यीशु मसीह, और इनका जो कारोबार है प्रभु जी रोडू में, उस पर आपकी बरकत को मैं छोड़ता हूँ। आपका लहू भाई अभिषेक सूद के छिड़क देता हूँ।
यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्रभु, मैं जसल विजय पे आपका लहू छिड़कता हूँ। अपने खून में छिपाइए प्रभु इस भाई को, आपकी आशीष को इनके जीवन पे, इनके घराने पे खोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। गीता मसीह पे, उसके पति प्रहलाद पे, बच्चों पे आपकी आशीष को खोलता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मैं तारा बंसल उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। सुरेश कुमार को आपके खून में छिपाता हूँ। भाई पलूस को उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु, मैं विशाल रलन और उनकी मिनिस्ट्री सेवकाई को आपके लहू में छिपाता हूँ। पास्टर लखविंदर को प्रभु जी और पूरी कलीसिया को आपके लहू में छिपाता हूँ। विनाया संदीप इमैनुअल को आपके लहू में छिपाता हूँ। सनी क्रिश्चियन को आपके खून में छिपाता हूँ। प्रभु, बॉबी आर्ट के ब्रदर चरणजीत पे आपका लहू छिड़कता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मैं माधवी के लिए प्रार्थना करता हूँ। माधवी खोसला जी अपने घर में प्रेयर रख रहे थे, 2 साल गुजर गए, प्लान ही कर रहे हैं सिस्टर को। प्रभु, माधवी को उनके घराने को बरकत देना, आपका लहू उनके ऊपर मैं छिड़कता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मैं जगीर मसीह को हिमाचल से, उनके परिवार को आपके आगे लेकर आता हूँ प्रभु जी। जो संगति करने आते हैं उन लोगों को आपके आगे लेके आता हूँ प्रभु। पहाड़ आपके हैं, आप पहाड़ों के परमेश्वर हो। पहाड़ अंधकार के नहीं है, पहाड़ आपने अपने लिए रचे हैं। पहाड़ और टीले, वचन में लिखा है, पहाड़ों और टीलों यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा के नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। प्रभु, मैं गुरदीप को दगन से आपके लहू में छिपाता हूँ। और प्रभु, मैं सनी क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करता हूँ। सनी क्रिश्चियन जी, इस ऋतु में यहोवा के संग वाचा बांधे, वो आपको संतान देगा, आने वाली ऋतु में औलाद देगा। और 13 के ऊपर आशीष उंडल रही, उंडेल रही यहोवा, आप पे भी उंडेल रही। सनी क्रिश्चियन पे आशीष उंडेलना प्रभु। मुस्कान राजपूत को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी आशीष है मुस्कान राजपूत। एक बार फिर माधवी खोसला को आपके लहू में छिपाता हूँ। आपका धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं खुदा। आपके अनुग्रह की ओट में हमें छिपा के रखिए प्रभु। अपने भेद खोलिए, प्रकाशित कीजिए अपने वचन को, ताकि आपका चेहरा हमारे चेहरों पे चमकने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह की मुस्कान। हालेलुया। मुस्कान, आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। प्रभु, मैं मुस्कान को आपके चरणों में देता हूं, इसके जीवन में काम करना प्रभु। हालेलुया। अपने अनुग्रह का हाथ मुस्कान पे रखना प्रभु। इसके परिवार पे, पिता माता पे, सब पे अपना अनुग्रह करना। इसका घराना तुझे जाने प्रभु। मैं हरदीप के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए मार्ग खोलना, रास्ता खोलना प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके जलाली नाम की महिमा हो प्रभु। आपके लहू की जय, लहू की जय प्रभु जी। हम आप सब मिलके हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा जो काम है, जिसकी फाइल्स लगी हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़के। परमेश्वर अपना चेहरा हम पे चमकाए, परमेश्वर दयावान हो, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से एक अद्भुत काम करे प्रभु जी। आपके लहू को छिड़कते हैं, वो काम आपकी ओर से सफल हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी ऐसी करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु। जो उपवासों में हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपके स्वर्गीय जोर से ये उपवास रखे, अपने शरीर के जोर से नहीं प्रभु। हम पे अपनी आशीषों दे प्रभु। अपने भेद रहस्य,
अपने लोगों को सिखाएं, आपके लोगों को आपके वचन की शिक्षा जो कि जीवन का राह है, और आपकी आज्ञाएं जो दीपक है, और आपकी शिक्षा जो रोशनी है, लोगों के अंदर बैठे प्रभु। प्रभु मैं साइमन एलेक्स को भी आपके हाथ में देता हूँ, आपका लघु छिड़कता हूँ, आशीषित करें। साइमन एलेक्स जी ये वचन सुनिएगा, इसमें इसको सुनिएगा, आप एंड में ज्वाइन किए हो, पूरा वचन सुनिए प्लीज दोबारा से। प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की, जय मसीह।